हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विदेश सेमी में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की परीक्षा का जो CBT 2 हुआ था उसका ऑफिशियल स्कोर कार्ड आ चुका है और एएलपी से रिलेटेड क्या कट ऑफ होगी, टेक्नीशियन की क्या कट ऑफ होगी, जोन वाइज में पर्टिकुलर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में। और रेड जोन की कट ऑफ क्या होगी वो भी सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। और एक अपडेट इन्फॉर्मेशन ये थी फ्रेंड, जैसे ही रिजल्ट आया कि बहुत सारे स्टूडेंट का पार्ट बी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और पार्ट बी बहुत सारे बच्चे फेल होते थे, मैंने बहुत सारी क्वेरी भी की थी बच्चों से। तुरंत ही मैंने नियर अबाउट 100 मेल किया था रेलवे को और जितने भी स्टूडेंट अपना रोल नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया था अपनी तरफ से, मैंने वो पूरी क्वेरी की थी और वीडियो में ही बता दिया कि ये जल्दी ही इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो जल्दी चेंज कर दिया जाएगा। इनफैक्ट वो हुआ भी 4 से 5 घंटे के बाद, लगभग 2 से 3 बजे के बाद में रेलवे ने चीज़ें अपडेट किए, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कुछ डेट्स को लेके, ठीक है, कुछ डेट्स को लेके मैं बताऊंगा कि जो उसमें डेट जिनके नॉर्मलाइज मार्क्स जो रहे हैं वो बढ़े ही नहीं, ठीक है। जैसे 22 के जो डेट में आपके सेकेंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होते हैं उनके जो प्रोरेटेड मार्क्स हैं वो SMS नॉर्मलाइज मार्क्स हो गए हैं, तो उससे रिलेटेड। और साथ ही साथ जो 23 की शिफ्ट भी थी उसमें केवल जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो 3 से 4 बढ़े हैं, और किसी किसी शिफ्ट में जो लास्ट शिफ्ट की थी शायद उसमें 10 से 12 मार्क्स तक भी लोगों के बढ़े हैं। तो ये जो डिफरेंस है उसके बेस पर मैंने पूरी कटअप को एनालिसिस किया है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि सारे अपकमिंग एग्जाम की नोटिफिकेशन, अपडेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं अपने इस पर्टिकुलर चैनल पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ ही जो भी अपकमिंग एग्जाम आते हैं उससे रिलेटेड मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स उसके देता रहता हूँ, और जो PDF मटेरियल्स होते हैं उसको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर देता रहता हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें बताऊंगे RRB ALP CBT 2 जो कट ऑफ था वो साइको के लिए कितना जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इनकी जो कट ऑफ होती है हमेशा कम ही जाती है क्योंकि ITI एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो कट ऑफ का ये लेस क्यों हुई, इतना कम क्यों हुई, उसका रीज़न सिर्फ यही जान लो कि अभी समझ लो कि 50 to 55 to 60% ये लोग फेल हुए पार्ट बी में, ठीक है। नॉर्मलाइज होने के बाद ये चीज़ घटी हुई तो नियर वो 50% तो ऑलरेडी फेल हो गए, इस वजह से इनकी जो कट ऑफ है वो कम होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस है। और फ्रेंड्स मैं बहुत कम कट ऑफ नहीं बता रहा बिकॉज ऑफ कि कम कट ऑफ बना के व्यूज़ लेने का प्लान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑफ ये इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं हो सकता और इतनी ही कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट जितने भी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है, प्रीवियस एग्जाम के कट ऑफ है, वो आप पूरे कट ऑफ को एनालाइज कर सकते हो और वीडियो पर अभी भी पढ़े हैं वो सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जनरल की जो कट ऑफ है, अंडर रिजर्व की जो कट ऑफ है वो 45 से कम नहीं होगी, इससे ऊपर ही जाएगी जो साइको के लिए अपीयर होंगे, क्योंकि 8 times लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, 8 times को निकल बुलाया जाता है। और उसमें जो आपका साइको होता है 5 batteries होती हैं, बहुत सारे उसमें जो आपके कंसंट्रेशन एनालिसिस बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती है। तो इनफैक्ट आप अगर इसके बाद में अगर आपका इतना आता है मार्क्स, इससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो प्लीज़ जो उससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि घर बैठे अगर किसी भी तरीके से आप कर रहे हैं उसको तो वो नहीं हो पाएगा, आप उसको करना पड़ेगा, उसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ होगी फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो अनरिजर्व की होगी 45 to 52। OBC की जो कट ऑफ बताई है मैंने 40 to 47 के बीच में, 7 का डिफरेंस लिया फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं हो सकता और ना ही इससे ज़्यादा कट ऑफ होगी। SC की जो कट ऑफ होगी 35 to 42, और जो ST की कट ऑफ होगी 34 ± 2 होगी। फ्रेंड्स गर्ल्स का कट ऑफ जो होगा ज़्यादातर OBC कैटेगरी के बराबर होता है, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो एक्स सर्विस मैन की कट ऑफ होगी इन सारे कैटेगरीज में आपका 5 marks लेस देन अदर्स होता है, क्योंकि इनकी जो सीट होती है वो फिक्स होती है और जनरल जो कम मार्क्स वाले होते हैं ज़्यादातर सेलेक्शन भी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया कि रेड जोन का भी कट ऑफ है तो उनके कट ऑफ कितने जा सकते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सारी चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप पूरा एनालिसिस देखना चाहते हो तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया रेड जोन में जैसे मैंने पर्टिकुलर वो चीज़ों को डिस्कस कर लिया, जैसे अजमेर, तिरुवनंतपुरम, इलाहाबाद, चेन्नई, सिकंदराबाद और एक दो और जोन है जिनमें कट ऑफ जाने की संभावना होती है। फ्रेंड्स ये रेड जोन क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ आप जान लो कि ये रेड जोन कैसे रेड जोन ये बन जाते हैं, बिकॉज जितने भी वैकेंसी आती हैं एस्पिरेंट्स उसके तुलना में एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट एस्पिरेंट्स अगर जिस जगह पर वैकेंसी के अपेक्षा में सबसे ज़्यादा होते हैं वो बन जाता है आपका रेड जोन, और इस जगह की जो कट ऑफ जाने की संभावना होती है वो अदर जोन की अपेक्षा
चार से पाँच मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ के अकॉर्डिंग मैंने टोटली चीज़ें ये बेस्ड हम पूरे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के जो भी वो रहे हैं सारी चीज़ें और मैक्सिमम स्टूडेंट के सर्वे के अकॉर्डिंग बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देख सकते हैं आप, अनरिजर्व की जो कट ऑफ होगी 48 to 55 के बीच में होगी, OBC की जो कट ऑफ होगी 45 से 52 के बीच में, ठीक है, SC की जो कट ऑफ होगी 40 to 45 के बीच में, ST की जो कट ऑफ होगी 38 ± 2 करना होगा। फ्रेंड्स अदर जोन के पेशेंट की कट ऑफ ज़्यादा ही जाने हैं और एक्स सर्विस में कि SM बिकॉज ऑफ SM क्या कि माइनस फाइव मार्क्स हर कैटेगरी में इनसे कम होगा। फ्रेंड्स एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, यदि आप घर बैठे बेहतर तरीके से अपनी किसी भी एग्जाम तैयारी की जैसे तैयारी करना चाहते हो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, अगर आप चैनल पे बहुत सारे चैनल देखा हो भी होगा कई बार आपने, तो मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर के सुपरविजन में PDF कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत बेस्ट तरीके से और बहुत बेस्ट टीचर के गाइडेंस में इनके इस सिविल सर्विसेज के लिए के IS PCS सब के लिए PDF कैर्स और पेन ड्राइव कोर्सेज जारी किए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनकी सेल आउट होती है, तो बहुत ही बेस्ट मटेरियल्स होता है। अगर आप परचेज करने के पहले आप एनालिसिस करना चाहते हो तो studyforcivilservices.com पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ से सारी चीज़ एनालाइज करने के बाद ये परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी फ्रेंड्स, 2-3 दोस्त भी मिलकर आप उसको परचेज कर सकते हो क्योंकि PDF मटेरियल होता है, तो आप शेयरिंग भी कर सकते हो, ये आपके बेहतरीन के मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बेस्ट, क्योंकि इनफैक्ट मैंने भी सिविल सर्विसेज के लिए इनके कोर्स को ज्वाइन किया था। तो चलिए अब फाइनली डिस्कस कर लेते हैं हम आपके टेक्नीशियन जो कट ऑफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो क्या कट ऑफ होगी। तो फ्रेंड्स जो अनरिजर्व की कट ऑफ होगी, देखो सेम प्रॉब्लम सेम चीज़ें यहाँ भी हो सकती है क्योंकि आपकी कट ऑफ जो टेक्नीशियन की होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 70 से नीचे आज तक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, 70 से नीचे अली बाबा इस बार की कट ऑफ कम होने की वजह जो है वो ये है कि पार्ट बी में स्टूडेंट्स का मैक्सिमम स्टूडेंट का फेल होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और सारी चीज़ दे भी चुका हूँ कि कैसे कैसे स्टूडेंट के प्रोडेटिक्स मार्क्स और रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स में प्रॉब्लम हुए थे, इनफैक्ट एक एक आधे आधे नंबर से भी लोगों का सिलेक्शन रुका था इसमें पार्ट बी में प्रॉब्लम होने की वजह से। तो इस वजह से ये कट ऑफ इतनी ही जाने की पूरी संभावना प्रबल संभावना है। तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ होगी फ्रेंड्स यहाँ से 58 to 65 हो जाएगी, OBC की जो कट ऑफ होगी 55 to 60 हो जाएगी, SC के कट ऑफ जो होगी 48 to 55 और ST की कट ऑफ 42 to 48। फ्रेंड्स ज़्यादातर मेरे जो कट ऑफ होते हैं अदर यूट्यूबर्स अदर चैनल की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, बट एग्जैक्टली यही होता है जब आपका रिजल्ट आता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आता है रिजल्ट आने के बाद कि सर आपके मार्क्स शुरू में तो भले थोड़ा सा ज़्यादा लगे थे बट एग्जैक्टली एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद नियर अबाउट वही कट ऑफ रहता है। तो फ्रेंड्स इसी बेस पे सारी चीज़ मैं कट ऑफ डिस्कस करता हूँ, स्टार्टिंग वाले आपको थोड़ा सा वो लग सकता है बट इनफैक्ट यही होने वाला होता है। और एक सर्विसमैन का जो कट ऑफ होगा 5 to 8 मार्क्स लेस देन अदर्स होगा और जो गर्ल्स की कट ऑफ फ्रेंड्स इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं होता और मैक्सिमम रिजर्वेशन नहीं दिया जाता इसमें, तो लेकिन OBC के अकॉर्डिंग जाता है और इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी इनकी कट ऑफ होती है प्लस OBC की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके टोटल वीडियोस मतलब टोटल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो थे और जो आपका रिजल्ट डेट है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिजल्ट जो डेट रहा ऑफिशियली आपका आ चुका है 6 अप्रैल के पहले किसी भी दिन आ सकता है। किसका आएगा वो ALP का आएगा, किसका आएगा ALP, क्योंकि इनकी साइको टेस्ट होती है क्योंकि टेक्नीशियन वालों को तो डायरेक्ट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा लेकिन जो साइको वाले होंगे उनको 8 टाइम्स बुलाया जाता है, उनकी कंटिन्यू ये चलती है साइको टेस्ट चलता है, 5 बैटरीज जैसे मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया 5 बैटरीज को पूरा करना पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे कनेक्टेड रहे हमारे चैनल के साथ। हमारे तरफ से बहुत सारे फ्री क्रैश कोर्स और फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।